Your Excellency President Putin, distinguished members of the Russian and Indian delegations, members of the media, राष्ट्रपति पुतिन के खूबसूरत होम टाउन सेंट पीटर्सबर्ग में आना मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है और इसके साथ मेरे व्यक्तिगत जीवन की एक ऐतिहासिक घटना भी जुड़ी हुई है कि मैं 2001 में अक्टूबर में पहली बार मुख्यमंत्री बना और उसके बाद एक ही महीने के भीतर भीतर उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ डेलीगेशन में मुझे आने का अवसर मिला और मैं स्मरण करता हूँ कि आज जैसे मैं और राष्ट्रपति पुतिन पीछे खड़े थे उस समय अटल जी और राष्ट्रपति पुतिन खड़े थे और मैं कुर्सी पर बैठ करके अष्टाखान राज्य के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर कर रहा था। आज 16 साल के बाद फिर एक बार सेंट पीटर्सबर्ग में मुझे राष्ट्रपति पुतिन के साथ एक प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ आज शरीक होने का अवसर मिला है। हमारा ये और हमारे डेलीगेशन का यहाँ जो गर्मजोशी से स्वागत हुआ इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ और ये हमारे संबंधों की मधुरता का एक प्रतीक है। फ्रेंड्स, इस वर्ष भारत तथा रूस अपने राजनीतिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मना रहा है। संस्कृति से सुरक्षा तक हमारे संबंधों की भाषा समान है। जैसे कि रूसी भाषा में कहते हैं, मी गवारिम ना अदनोम याजिके, वी स्पीक इन वन लैंग्वेज। पिछले 7 दशकों के क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय उथल पुथल में यदि एक स्थिर सच्चाई है तो वह है भारत तथा रूस के बीच सशक्त संबंध। हमारे संबंधों का मूलभूत आधार आपसी स्नेह, आपसी आदर और एक दूसरे में अटूट मजबूत विश्वास। इस सशक्त आधारशिला पर हमारी सहभागिता तथा सहयोग का चहुमुखी विकास हुआ है। फ्रेंड्स, हमारे संबंधों के विकास के संपूर्ण स्वरूप पर मैंने और राष्ट्रपति पुतिन ने आज विस्तार से बातचीत की है। संबंधों की वर्तमान गति को और तेज करना तथा इसके उज्जवल भविष्य के लिए एक एक्शन प्लान बनाने पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसके मद्देनजर आज हमने सेंट पीटर्सबर्ग एक ऐलान एडॉप्ट किया है, डिक्लेरेशन एडॉप्ट किया है, एक ऐसा डिक्लेरेशन जो कि न केवल दोनों देशों के आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिरता का विकास और मार्ग प्रशस्त करेगा बल्कि वैश्विक उथल पुथल में स्थिरता का एक बेंचमार्क साबित होगा। फ्रेंड्स, आज के इंटरडिपेंडेंट तथा इंटरकनेक्टेड विश्व में बढ़ते आर्थिक सहयोग संबंधों के विकास के महत्वपूर्ण ड्राइवर है। हमारे आर्थिक संबंधों में तीव्र प्रगति मेरा तथा राष्ट्रपति पुतिन का एक अहम साझा उद्देश्य है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक फोरम में भारत का गेस्ट कंट्री के रूप में शामिल होना तथा मेरा इस फोरम में प्लेनरी में कल होने वाले वक्तव्य दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को और समीप लाने का कारण बनेगा। इन्हीं प्रयासों के चलते द्विपक्षीय निवेश में काफी तीव्र प्रगति हुई है तथा हम 2025 तक 30 बिलियन यूएस डॉलर्स के निवेश के लक्ष्य की उपलब्धि के समीप है। आर्थिक संबंधों की गहनता का
एक मुख्य आधार है एनर्जी कोऑपरेशन, न्यूक्लियर, हाइड्रोकार्बन तथा रिन्यूएबल एनर्जी इसके प्रमुख भाग है। मुझे खुशी है कि आज कोडनकुलम 5 तथा 6 के फाइनलाइजेशन द्वारा हमारे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय ऊर्जा सहयोग और घनिष्ठ होंगे। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत तथा रूस परस्पर लाभ से आगे तीसरे देशों से भी अपना सहयोग बढ़ा रहा है। हमारे व्यापारिक तथा वाणिज्यिक संबंधों के विकास में प्राइवेट सेक्टर का एक महत्वपूर्ण रोल है। इस संदर्भ में हम दोनों देशों के प्राइवेट सेक्टर्स को एक प्रोएक्टिव भूमिका के लिए निमंत्रित करते हैं। हमारा यह भी मानना है कि दोनों देशों के बीच अधिकाधिक फिजिकल तथा इंस्टीट्यूशनल कनेक्टिविटी भी आर्थिक संबंधों की मजबूती के लिए अनिवार्य है। इस संदर्भ में इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के अंतर्गत हमारा सहयोग हमारी सहभागिता को एक महत्वपूर्ण दिशा प्रदान करेगा। आने वाली यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ एफटीए नेगोशिएशन भी हमारे आर्थिक सहयोग को और बल देंगे। साइंटिफिक इंडस्ट्रियल तथा तकनीकी सहयोग हमारे ओवरऑल आर्थिक सहयोग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके द्वारा उत्पन्न लाभ हमारे समाज तथा अर्थव्यवस्थाओं को सुदृढ़ता तथा समृद्धि प्रदान करेंगे। ब्रिज टू इनोवेशन का हमारा साझा प्रोग्राम दोनों देशों के युवा वैज्ञानिकों को स्टार्टअप्स के लिए तथा युवा एंटरप्रेन्योर्स के विकास में अत्यंत मददगार सिद्ध होगा। यह हमारे युवा पीढ़ियों के भविष्य को इनोवेशन इकोनॉमी की अपॉर्चुनिटी के साथ सीधा सीधा जोड़ेगा। उम्मीद है कि इसके द्वारा जॉब सीकर्स जॉब क्रिएटर्स में परिवर्तित होंगे। इस माह के अंत में दोनों देश पहली बार द्विपक्षीय साइंस तथा टेक्नोलॉजी कमीशन का आयोजन करेंगे। मुझे विश्वास है कि यह हमारी साइंटिफिक तथा टेक्निकल कोऑपरेशन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। फ्रेंड्स, भारत तथा रूस रक्षा संबंध अत्यंत मजबूत है, सुदृढ़ है। वैश्विक संबंधों का चाहे कोई भी स्वरूप रहा हो, भारत तथा रूस की सुरक्षा पार्टनरशिप ने सदैव दोनों देशों के स्ट्रेटेजिक हितों की रक्षा की निरंतर की है। हाल ही में भारत में हुई फर्स्ट मिलिट्री इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस रक्षा तथा सुरक्षा इक्विपमेंट की एंटायर वैल्यू चेन में दोनों देशों की सहभागिता को गहन करने में एक महत्वपूर्ण कदम था। कामोव 226 हेलीकॉप्टर के प्रोडक्शन का ज्वाइंट वेंचर भी शुरू हो गया है। फ्रिगेट्स के ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग को भी इंप्लीमेंट किया जा रहा है। रक्षा संबंधी मैन्युफैक्चरिंग सहयोग को नई दिशा मिल रही है। दोनों देशों के बीच मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन को नया आयाम देने के लिए इस वर्ष दोनों देश पहली ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज इंद्र 2017 का आयोजन करेगा। फ्रेंड्स, हमारे मधुर संबंधों की एक प्रमुख इकाई दोनों देशों के बीच पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है। रूसी संस्कृति भारत में प्रसिद्ध तथा योगा, आयुर्वेदा तथा भारतीय संस्कृति से जुड़े हर पहलू की रूस में लोकप्रियता दोनों देशों के लिए एक संतोष का विषय है। मुझे विश्वास है कि पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष में हमारे रूसी मित्र इंटरनेशनल डे ऑफ योगा दैट इज 21 जून को धूमधाम से मनाएंगे।
फ्रेंड्स, बदलते हुए क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप पर भी आज मैंने और राष्ट्रपति पुतिन ने विस्तार से चर्चा की है। हम सहमत हैं कि चाहे आतंकवाद का मसला हो, स्ट्रैटेजिक हितों की सुरक्षा का प्रश्न हो, या उभरती हुई नई चिंताओं से निपटने का मुद्दा हो, भारत तथा रूस सदैव एक दूसरे के समर्थन में खड़े रहेंगे। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर रूस के बिना शर्त संपूर्ण समर्थन का भारत अभिनंदन करता है। अफगानिस्तान, मिडल ईस्ट तथा एशिया पैसिफिक पर दोनों देशों की विचारधाराओं में बहुत समानता है। भारत तथा रूस ब्रिक्स तथा G20 में भी लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में रूस के सुदृढ़ नेतृत्व में हम दोनों देश क्षेत्रीय सहयोग की नवरचना में संलग्न है। फ्रेंड्स, हमारे संबंधों के विकास में राष्ट्रपति पुतिन ने अद्वितीय नेतृत्व का मैं अभिनंदन करता हूं। हमारा संबंध एक ऐसा फलदायी पेड़ है जिसकी जड़ों को 7 दशकों से कई महानुभावों ने सींचा है। ऐसे ही एक व्यक्ति थे एम्बेसडर अलेक्जेंडर कदाकिन। भारत के इस मित्र को हमने इस वर्ष खो दिया। रूस के इस गौरवशाली पुत्र की याद में नई दिल्ली में एक सड़क का नामकरण एम्बेसडर कदाकिन के नाम पर आज किया गया है। एक्सेलेंसी पुतिन, वक्त की हर कसौटी पर, हर चुनौती के सामने आपने समाजों के विकास के लिए तथा पूरे विश्व के लाभ के लिए भारत तथा रूस की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ रही है। हमारी अड़िग साझेदारी आगे आने वाले वर्षों में विश्व को एक संतुलन एवं स्थिरता प्रदान करेगी। आज की वार्ता में लिए गए निर्णय हमारे सहयोग के मार्ग को और अधिक प्रशस्त करेंगे। इन शब्दों के साथ एक बार फिर मैं आपका तथा सेंट पीटर्सबर्ग की जनता का हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।